हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी कोई अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक व्यूअर का रिक्वेस्ट। आज फिर से एक लेथ का काम हम लोग कैसे करते हैं। लेथ, तो लेथ एक्चुअली हम लोग लेथ से बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं। बहुत सारा चीज़, जैसे एग्जांपल कोई आपका हो गया ग्लास, वाइन ग्लास, या आपका साइड टेबल में जो लैम्प होता है, लैम्प का बेस बना सकते हैं। ऐसे करके हम लोग बहुत चीज़ बना सकते हैं। तो एक हम लोग कैसे बनाते हैं वाइन ग्लास, बहुत सिंपल मेथड है और बहुत लोग इसके लेथ को जानते नहीं, तो बहुत सारा बॉक्स से बनाने की कोशिश करते हैं, स्पेयर से, सिलेंडर से, तो उतना अच्छा से बनता नहीं है। बट हमारा जो लेथ है उसमें आप बहुत ईजी और बहुत फास्ट बना सकते हो। तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, एक प्रोसेस है वो इसमें बहुत सिंपल है। आप इस सिंपल मेथड यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका बहुत जल्दी काम होगा और बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो मैं दिखाने वाला हूँ, एक इमेज में लिया हूँ ये वाला, तो इसको हम लोग लेके आते हैं मैक्स में। हम लोग लेथ का काम एक्चुअली क्या होता है, लेथ आपको मिल जाएगा मॉडिफाई लिस्ट में। तो हम लोग ये बनाएंगे फ्रंट व्यू में। लेथ क्या करता है एक्चुअली में, ये जो से लेथ लेथ एक्चुअली होता है एक लाइन। लाइन को जैसे हम लोग शेप में यूज़ करेंगे, लाइन से बनाएंगे, तो वैसे वो 360 डिग्री में वो रोटेट हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग को शेप बनाना है, ये इसका हाफ पोर्शन, आप इससे बॉटल बना सकते हो। बेसिकली हम इसको दिखा रहे हैं वाइन ग्लास बना के, क्योंकि इसका रिक्वेस्ट था। तो नहीं तो फिर आपको वाटर वाटर बना, ऐसा इसका और भी वीडियो बना के आपको दे देंगे, आपको ये क्या बोलते हैं यूट्यूब में। तो ये व्यू, पहले हम लोग इसका जो साइड बेस है, पहले हम लोग इसको ट्रेसिंग करेंगे। चाहे आप यहाँ से इमेज रख के यहाँ पे भी कर सकते हो, बट मैं ऐसे दिखा देता हूँ विदाउट ऐसे करके। तो एक पहले लाइन लीजिएंगे, उसके बाद लाइन से सब बनेगा। बेसिकली हम लोग बनाना है ये शेप में, बस वन साइड जिसका हाफ पोर्शन से बनाना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लाइन जैसे यूज़ करते हैं, लाइन को तो यूज़ करना पता ही है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ लाइन का यूज़, आप वहाँ से देख सकते हो। मेरे को मिल जाएगा मेरा चैनल में रीगल इंटीरियर में, लाइन के बारे में बहुत डिटेल से बताया हूँ। तो हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, बेसिकली ये शेप को बनाना है बस। क्लिक करके इसका सेकेंड क्लिक करेंगे हम लोग थोड़ा सा नीचे में। थोड़ा सा बेंड हो जाएगा यहाँ पे इसका, और ये थोड़ा सा स्ट्रेट है, और इसका बेस पॉइंट हम लोग बाद में इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, मॉडिफाई में जाके इसको पकड़ के इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये करने के बाद हम इसको बाद में हम लोग एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो करते हैं, ये शेप बनाने के बाद हम लोग डायरेक्टली चल जाएंगे मॉडिफाई लिस्ट में। यहाँ पे एल प्रेस करते ही लेथ आ जाएगा फर्स्ट में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो लेथ हुआ है ये 360 डिग्री में आपको कन्वर्ट हो गया है, ये देखो 360 डिग्री में। और हम लोग मिनिमम कर सकते हैं सेंटर या मैक्सिमम, बट हमको इस पर एक और टूल सिखाते हैं मैनुअली कैसे करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हम लोग लेथ में जाके हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस को क्लिक करके बाय मैन्युअली हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो मिनिमम मैक्सिमम और सेंटर था, इसके अलावा है एक एक्सेस है। देखिए यहाँ से हम लोग इस शेप में कर देते हैं। एक और चीज़, हम लोग को ये शेप और अच्छा से इसको, आप इसको रिकरेक्शन भी कर सकते हो विदाउट एनी चेंजेस। बट हम लोग यहाँ पे जो लेयर है इस पार्ट में जाएंगे, और लाइन में जाके हम लोग पहले देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा ये जो हेड है इसको हम लोग थोड़ा सा और गैप रहेगा, तो हम लोग को इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, साइड करना है इसको एक्सिस पकड़ के। यस, अब आप यहाँ पे फिर क्लिक करो, देखो एग्जैक्टली देख रहे हो, सेम मिल जा रहा है ना। तो ये देख रहे हैं एकदम फास्ट काम किया। अगर आप इसको, अगर आप बॉक्स से या इस किसी से भी ट्राई करोगे तो ये बहुत टाइम लेगा और इसका परफेक्शन कभी नहीं देगा। बट आप लेथ का काम करोगे तो लेथ से एकदम परफेक्ट बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, और भी चीज़ में मैं लेथ का जो काम होता है, मैं और भी वीडियो बना के आपको दूंगा, जैसे वाटर बॉटल हो गया,
या ये आपका लैंप हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास, तो मैं आपको इस पहले इसको आप ट्राई करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। इसमें हम लोग मटेरियल भी दे सकते हैं, मटेरियल आपका जो मर्जी, जैसे ये ग्लास मटेरियल, मटेरियल बनाना सिखाएंगे जब ये मई 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 मंथ में हम लोग को सिखाएंगे, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। और आप पहले जो जो हम लोग दिए होमवर्क, पहले उसको प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया से, उसके बाद में आपको एक सीरीज निकलेगा हम लोग का 10 दिन का, तो उसमें सारे मटेरियल उसमें आपको सबको सिखा देंगे। तो इसमें और आपको कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। एक और चीज़ देख सकते हैं इसमें, अगर होलो हो सकता है, इधर में एक होलो है, अच्छा F4 प्रेस करके हम लोग देख सकते हैं, ये होलो को हम लोग कवर कर सकते हैं। जैसे वाइन जो रहेगा ये तो यहीं तक रहेगा, बट अगर ये होलो रहेगा तो वाइन तो नीचे गिर जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस होलो को फिलअप कर सकते हैं। कैसे कर सकते बोलिए तो, कन्वर्ट टू एटल पॉली करके, यहाँ पे पॉलीगॉन सिलेक्ट करके, इसका नीचे का, हाँ, उसके बाद एक्सट्रूड कर लो यहाँ से वाई लोकल नॉर्मल, ओ आप इसको कैप भी कर सकते हो। एक्सट्रूड लोकल नॉर्मल बाहर निकल गया है, देख रहे हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाए इसको। आस्ते 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 ये देखो होलो क्लोज हो गया इसका। और हैंडल जो बहुत पतला है, आप इसको भी थोड़ा मोटा कर सकते हो, बट पॉली करने के बाद वो काम नहीं करेगा, तो हम लोग कंट्रोल जेड करके पहले अंडू कर लेते हैं। एक्सेस को नहीं, लेथ में जाके, फ्रंट व्यू में जाके थोड़ा सा इसको, हाँ अब थोड़ा थिकनेस आ गया है, अब इसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। अब ऑलरेडी ये क्लोज ही हो गया है, देखिए, हाँ अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा करने का, परफेक्ट हो गया है। तो ये जो वाइन का इफेक्ट है, ये सब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो भी मेरा अपडेट्स आएगा तो आपको वो जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।